कल सुबह से लापता चल रहे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीर तोगड़िया का पता चल गया है। अहमदाबाद के शाही बाग इलाके में तोगड़िया बेहोशी की हालत में मिले हैं। कहा जा रहा है कि ब्लड शुगर कम होने की वजह से तोगड़िया बेहोश हो गए थे। एम्बुलेंस से तोगड़िया को अहमदाबाद के चंद्रमणि अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कल सुबह 10 बजे के करीब अहमदाबाद में VHP दफ्तर से बाहर निकले थे वो, और तब से तोगड़िया लापता हो गए थे। उस वक्त एक पुराने केस के सिलसिले में राजस्थान पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए VHP दफ्तर आई थी। तोगड़िया के लापता होने के बाद VHP के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। VHP ने दावा किया कि राजस्थान पुलिस ने तोगड़िया को हिरासत में लिया है, ताकि राजस्थान पुलिस ने इस दावे का खंडन भी किया है। वैसे तोगड़िया के गायब होने की असलियत क्या है, इसके लिए उनके बयान का इंतजार करना होगा। प्रवीण तोगड़िया जो है वो कल सुबह 10 बजे से लापता हो गए थे, और फिर बेहोशी की हालत में वो मिले हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो इस वक्त सूचना मिल रही है वो ये कि ब्लड शुगर उनका लो हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे, और उसके बाद वो मिले हैं बेहोशी की हालत में, अस्पताल में वो भर्ती हैं। पुलिस जल्द ही उनका बयान भी दर्ज करेगी। तो पुराने मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी जब वो लापता हो गए थे। हकीकत क्या है, ये उनका बयान आने के बाद ही सामने आएगी। VHP के बड़े नेता हैं प्रवीण तोगड़िया, और कल सुबह 10 बजे करीब अहमदाबाद में VHP दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी चल रहा था। एक पुराने केस में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी पहुंची थी, और फिर वो अचानक गायब हो गए। शाहीबाग इलाके से वो मिले बेहोशी की हालत में।